TAG TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. TAG TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, नरजी ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय लोकसभा में शहरियत के मुतनाज़ा बिल की मजम्मत कर दी। वजीर आजम कहते हैं कि मोदी हुकूमत मंसूबे के तहत प्रोपोगंडा कर रही है। इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, वजीर खारजा ने भारतीय वजीर की तकरीर का बायकॉट कर दिया। जैसे ही भारतीय वजीर की तकरीर शुरू हुई, वजीर खारजा एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नवाज शरीफ को फालिज होने का शदीद खतरा लाहक है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अदनान का कहना था कि नवाज शरीफ की तबीयत को ठीक नहीं कहा जा सकता। आने वाले चंद दिनों में, कुछ ज्यादा नहीं, चंद दिनों में जो मेडिकल रिपोर्ट है मियां साहब की, वो भी जो है अपना दाखिल हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी बगैर किसी जुर्म के जेल में हैं। बिलावल कहते हैं कि नवाज शरीफ मुजरिम होकर भी मुल्क से बाहर हैं। आसिफ जरदारी को वो सहूलियात दी जाएं जो हर शहरी का हक है। और सफदर जरदारी साहब आज भी जेल में हैं, जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है और मियां साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311, 6477656311, एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय लोकसभा में शहरियत के मुतनाज़ा बिल की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतनाज़ा बिल इंसानी हकूक की मुकम्मल खिलाफ वर्जी और बिल पर कानून साजी दो तरफा मुहायदों की खिलाफ वर्जी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय लोकसभा में शहरियत के मुतनाज़ा बिल की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतनाज़ा बिल RSS के हिंदू राष्ट्रीय के तौसी मंसूबे का हिस्सा है। मोदी हुकूमत मंसूबे के तहत प्रोपेगेंडा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय लोकसभा में शहरियत के मुतनाज़ा बिल की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतनाज़ा बिल इंसानी हकूक की मुकम्मल खिलाफ वर्जी और बिल पर कानून साजी दो तरफा मुहायदों की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम का कहना था कि मुतनाज़ा बिल RSS के हिंदू राष्ट्रीय के तौसी मंसूबे का हिस्सा है। फासिस्ट मोदी के हुकूमत मंसूबे के तहत प्रोपेगेंडा कर रही है। इससे कबल इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर
कश्मीर पर 4 माह से जारी भारतीय कब्जे की मजम्मत करते हुए कहा था कि भारत इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। सलामती कौंसिल मकबूजा कश्मीर के गैर कानूनी इलहाक पर भारत के खिलाफ इकदाम करे। वजीर आजम ने मुतालबा किया कि कश्मीरी पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाने का सिलसिला रुकवाया जाए और आलमी कवानीन के रखवाले भारत के आसमाना कब्जे का नोटिस लें। याद रहे कि भारतीय पार्लियामेंट ने शहरियत का मुतनाजा बिल मंजूर किया था। भारतीय लोकसभा में शहरियत का मुतनाजा बिल भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया था। बिल में मुसलमानों के अलावा दीगर तारकीन वतन को शहरियत देने की इजाजत दी गई, जिसके हक में 293 वोट आए, जबकि 82 अरकीन असेंबली ने उसे मुस्तरद कर दिया। तरमीमी शहरियत बिल से आसाम में कई दहाइयों से रिहाइश पजीर लाखों बंगाली मुसलमान सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। वजीर दाखिला का कहना था कि पड़ोसी ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जुल्म सितम नहीं होता है, इसलिए इस बिल का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क उन्हें भी उसका फायदा देने पर गौर करेगा। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय वजीर की तकरीर का बायकॉट कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय वजीर की तकरीर का बायकॉट कर दिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 8वीं मिनिस्ट्रियल हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की, जहाँ उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, तुर्क वजीर खारजा और अमरीका के कायम मुकाम मुआवने वजीर खारजा एलिस वेल्स समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। वजीर खारजा ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात में पाकिस्तानी क़यादत का पैगाम उन्हें पहुंचाया और कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय मजालिम के खिलाफ तुर्क सदर की आवाज ने निहत्ते कश्मीरियों को बेपनाह हौसला दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कॉन्फ्रेंस में अमरीका के कायम मुकाम मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल से भी मुलाकात की, जिसमें पाक अफगान दो तरफा तजारत से मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अमन इस्तेकाम के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान के तहत पाक अफगान तजारत और सरमायाकारी वर्क ग्रुप मौजूद है, जो दो तरफा तजारत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अमरीका के साथ मुआवनत के लिए तैयार है। हमें भरपूर तवक्को है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुजाकरात से इंटर अफगान मुजाकरात की राह हमवार होगी और नतीजतन अफगानिस्तान में अमन की शमा रोशन होगी। इसी मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय वजीर की तकरीर का बायकॉट किया। जैसे ही भारतीय वजीर की तकरीर शुरू हुई, वजीर खारजा जाजन वहां से उठकर बाहर चले गए। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ को फालिज होने का शदीद खतरा लाहक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ को फालिज होने का शदीद खतरा लाहक है। लंदन में नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के हमरा डॉक्टर अदनान ने यह इंकशाफ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत को ठीक नहीं कहा जा सकता, उन्हें फालिज होने का शदीद खतरा है। जो मेडिकल इस वक्त कंडीशन है मोहतरम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, 19th ऑफ लास्ट मंथ ही वॉज एयर लिफ्टेड इन एन एयर एम्बुलेंस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लो प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उनका ITP डायग्नोज हुआ था और उस पर उनकी इनिशियल फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी लाहौर में शुरू की गई थी। यहाँ लंदन में आके हमने जो वन ऑफ दी अथॉरिटीज़ और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं हेमाटोलॉजी और हीम ऑन्कोलॉजी की उनको एंगेज किया। हुसैन नवाज ने कहा कि वालिद के प्लेटलेट्स कौमी एहतसाब ब्यूरो नैप की हिरासत के दौरान तेजी से गिरे। उनका कहना था कि किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, रिपोर्ट आने पर हर बात वाजे हो जाएगी। नवाज शरीफ के साहबजादे ने मजीद कहा कि प्लेटलेट्स मुतवाजन होने के बाद ही साबिक वजीर आजम को लाहक अमराज का इलाज शुरू हो सकेगा। अब यानी आने वाले चंद दिनों में, कोई ज्यादा नहीं, चंद दिनों में जो मेडिकल रिपोर्ट है जिन्होंने मियाँ साहब की, वो भी जो है ना अपना दाखिल हो जाएगी अदालत में और यानी उसकी बुनियाद पे जो है ना जो हमारे लॉयर्स जो हैं वो अपना जो केस है वो अदालत में पेश करेंगे और उससे जो है ना और चीज़ें जो है ना वाजे हो जाएंगी। अब मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा एक मरीज़ का और क्या जो है ना रह जाता है। अस्पतालों में जाते रहे हैं और फिर उसके बाद
कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आसिफ जरदारी बगैर किसी जुर्म के जेल में है और नवाज शरीफ मुजरिम होकर भी मुल्क से बाहर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी बगैर किसी जुर्म के जेल में है और नवाज शरीफ मुजरिम होकर भी मुल्क से बाहर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनजीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग रावलपिंडी में मनाई जाएगी। हुकूमत आवाम के मसाइल हल करे, पाकिस्तान की आवाम अपने मसाइल का हल देखना चाहते हैं। मियां साहब, सदर जरदारी साहब का केस बिल्कुल अलग है। मियाँ साहब जो है वो कन्विक्टेड था, अपना सज़ा गुजार रहा था और सदर जरदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद सदर जरदारी साहब जेल में है, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का और सदर जरदारी साहब का फ़र्क होता है। डिफरेंस ये है कि यो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और सदर जरदारी साहब आज भी जेल में है जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है, और मियाँ साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। ये उसका हक था, तिबी बुनियाद की सहूलत फरहम किया गया, लेकिन जैसे हमारा चीफ जस्टिस साहब और सब कह रहे हैं, अल्टीमेटली ये डिसीजन, ये चॉइस खान साहब का था और खान साहब ने करवाया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल बिलावल भुट्टो का कहना था कि ऐसे माहौल में कोई हुकूमत है तो वो सिंध की है जो काम कर रही है। सूबह सिंध को बहुत से मसाइल का सामना है, सिंध की आवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, नौजवान 1 करोड़ नौकरियों की तलाश में है, रोजगार नहीं मिल रहा। हम इनकी दबाव की वजह से ना खामोश होंगे ना पीछे हटेंगे, और हमने इस 27 दिसंबर को जो तारीखी फैसला लिया है कि इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी को लियाकत बाग में मनाया जाएगा, और हम लियाकत बाग से इस सिलेक्टेड हुकूमत को ललकारेंगे, उन कोतों को पैगाम भेजेंगे कि आज भी पाकिस्तान के अवाम इस बात पे डटे हुए हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जिद्दोजहद लीड कर सकती है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। भाई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। Do not live in a fool's paradise. बुशरा खान, सारा, सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।